हो गया। क्लास को प्रारंभ किया जाए भाई। आप लोगों को पीछे का यदि सभी लर्न है तो आप लोग सब एक बार यस भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस दिए थे, आपने किसी ने भी क्वेश्चंस नहीं भेजा। सिर्फ एक बच्चे का मेरे पास में क्वेश्चंस आया है, सुषमा, बाकी किसी ने क्वेश्चंस नहीं किया। ऑनलाइन में किसी का मेरे पास नहीं आया, एक को छोड़कर बस लिख लिया है। आपने लिखा या नहीं लिखा मुझे क्या पता। आप लोग कॉपी सेंड करोगे, कब कॉपी मेरे पास आएगी तभी तो पता चलेगा आप लोगों ने लिख लिया है। आपकी बस एक कॉपी मेरे पास आई है, आपने भेज दिए। किसको भेज दिया मैम? इसमें स्टेपलर करो। स्टेपलर नहीं करोगे आप? ऐसे पेज इधर उधर हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा ना। स्टेपलर कर दो इसको। आप लोगों की कॉपी कहाँ है? स्टेपलर करो। आलस करोगे अब जवानी में तो बुढ़ापे में क्या होगा तुम्हारा भाई। कोई क्वेश्चंस ऑनलाइन आप लोगों का कोई यदि क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं सर? आपकी फर्स्ट क्लास है? ऑनलाइन ले रहे हैं? अच्छा, एडमिशन आपने हाइब्रिड मोड लिया है तो ऑफलाइन क्यों नहीं आते आप? अच्छा, आना चाहिए, कंटिन्यू क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज क्लास में कम स्टूडेंट है, उसके पीछे एक कारण भी है। आज मे बी नेट का एग्ज़ाम है, लो वालों का नेट का एग्ज़ाम है आज। आपकी कोई समस्या बताइए भैया, यदि कोई समस्या है तो बताइए, समस्या नहीं है तो फिर अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। एक रफ पेज दीजिए आप, एक रफ पेज दीजिए कोई, एक रफ पेज दे दीजिए, ए फोर साइज का एक पेज दे दीजिए कोई भी। ये गंदा कर रखा इन लोगों ने। क्योंकि जहाँ तुम लोग रहोगे वहीं सफाई नहीं है तो कैसे काम चलेगा। पोछा लगाने को क्या बोलते हैं? आप सब घर में अपने पोछा लगाती होंगी। मॉपिंग, ओ सिट, थैंक यू, आपने इतना कष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बेटा जज बन रहे हो, ये किसका है? आपको जज बनना है, सजाओ। कॉपी को ऐसे लिख के भेजो कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए, वो 10 में से 12 नंबर देने की चेष्टा रखे। अब तो छोटे बच्चों की तरह, जैसे कक्षा 1-2 में टेस्ट होता है, A4 साइज का पेज लो और उस पर लिखो जुडिशरी, अच्छे से लिख के भेजो। खरीदो बेटा, बेटा खरीदो। ये क्या है? आपने बोला ना कभी ऐसा हो सकता है 10 में से 12 नंबर, कभी नहीं, बहुत ही बार ही ऐसा होता है। आपने देखा PhD 5 साल की होती है, BSc 3 साल की होती है, कभी कभी ऐसा होता है PhD 5 साल की नहीं, 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। तो डिपेंड करता है आपकी मेमोरी क्या है। चलो अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों का बहुत सारा कंटेंट है और मुझे आज पूरा दिन पढ़ाना ही है, कभी इधर कभी उधर। तो टॉपिक्स आप लोगों का क्या चल रहा था एक बार बताइए। भारतीय उद्योग मुझे लग रहा है, यही था ना आपका टॉपिक, भारतीय उद्योग। देखो यदि मैं भारतीय उद्योग की बात करता हूं, अब बात नहीं करना, लुक टुवर्ड माई फेस, ओके। अब टॉपिक आप लोगों का उद्योग चला हुआ था और उद्योग यदि मैं बात करता हूं तो उद्योग में जो बेसिक सी चीज़ें थी वो बता दिया था।
कोई उद्योग में आप लोगों को कोई डाउट आ रहा हो ऑनलाइन वालों, तो भैया साथ के साथ आप बता दिया करो। मॉप, वो मॉप नहीं होता, मॉपिंग होता है। चलो ध्यान दो इधर। अब हम बात करते हैं जो इंडस्ट्री होता है, जो उद्योग होता है, तो भारत में जो औद्योगिक नीतियां हैं, औद्योगिक नीति, आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने कितनी औद्योगिक नीति है जो लागू की है, जो जारी की है, तो उन औद्योगिक नीति की हम बात करें तो ये औद्योगिक नीति आपको पता होना चाहिए। और मुझे भरोसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चंस आएगा, लेकिन फिर भी पीटी के एग्जाम में एक आध क्वेश्चंस पूछ ले। निम्नलिखित में से किस उद्योग नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? किस इंडस्ट्री पॉलिसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? यदि एग्जामिनर पूछ ले तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए फर्स्ट जो उद्योग नीति थी वो 1948 में आई, 1956, 1977, 1980, 1990 और 1991। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, आज तक कुल कितनी इंडस्ट्री पॉलिसी है, कुल कितनी उद्योग नीति है जो जारी की गई है? तो वो 6 उद्योग नीतियां हैं जो जारी की गई हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको क्लियर ये होना चाहिए कि सर जो उद्योग नीति है उसका अर्थ क्या होता है। ये तो हम पढ़ाएंगे ही आपको, लेकिन इससे पढ़ने से पहले हमें जानना है कि इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो क्यों मेकिंग की जाती है, इंडस्ट्री पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, उसका कारण क्या है, और इंडस्ट्री पॉलिसी से जो लाभ होता है वो किन किन लोगों को लाभ होता है, और भारत में इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो कब समाजवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन हो गई। जो इंडस्ट्री पॉलिसी है भारत में वो समाजवाद से कब पूंजीवाद में परिवर्तन हो गई, ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि भारत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है, भारत एक समाजवादी विचारधारा है, भारत समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता है, और इस बात को 1948 की इंडस्ट्री पॉलिसी ने हमें बताया। 1948 की जो इंडस्ट्री पॉलिसी है, उद्योग नीति है, उसने कहा कि हम समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसको फॉलो करेंगे। बट जो 1991 है, इसने कहा कि हमें समाजवाद नहीं चाहिए, हमें समाजवाद के साथ साथ हमको पूंजीवाद चाहिए। ये नहीं कि हमको केवल समाजवाद चाहिए, हमको केवल समाजवाद नहीं चाहिए, बल्कि समाजवाद के साथ साथ हमको पूंजीवाद भी चाहिए। तभी 1991 में ओनली फॉर इंडिया के पास 1.5 दिन का खर्च बचा हुआ था, 1.5 दिन का खर्च 1991 में इंडिया के पास 1.5 दिन का खर्च बचा हुआ था कि इस 1.5 दिन के खर्च में हम लोगों को मतलब क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। तभी 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन राव और तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह, उन दोनों ने एक पॉलिसी जारी की जो किस नाम से जानी जाती है, यानी नई उद्योग नीति, या भारत की 6 उद्योग नीति, या भारत की पूंजीवादी उद्योग नीति। ये चीज क्लियर हो गई। और यहां पे क्या हुआ, कंपनियों का निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण किया गया। तो ये चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो औद्योगिक नीतियां हैं, ये तो बेसिक सी बात है, बच्चा भी जानता है। सबसे पहले कब आया, 1948 में आया, 1956 में आया, 1977 में आया, उसके बाद 1980 में आया, 1990 में आया, 1991 में आया। कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है, इधर फर्स्ट उद्योग नीति, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इधर सन डाल देगा, बोल देगा बेटा मैचिंग करो, क्वेश्चंस बनाने सीखो। क्लियर हो गया। इधर 4 उद्योग नीति डाल देगा और इधर इनके सन डाल देगा, 3 बिल्कुल सही होंगे, 1 गलत होगी। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फिर ऐसे ये क्वेश्चंस दोबारा देगा, इधर इंडस्ट्री पॉलिसी डाल देगा, इधर इनके सन डाल देगा, और फिर वो 3 को गलत डालेगा और 1 को सही डालेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये क्वेश्चंस क्या मैं व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को, यानी जो स्मार्ट बोर्ड है आप लोगों का, इस पे करके दिखाऊं कि आप लोग सब समझ गए, समझ गए ना ये किस तरीके से क्वेश्चंस आता है। ऑनलाइन वालों, यदि आपके समझ आ गया कि मैं क्वेश्चंस किस तरीके से आपको समझा रहा हूं, तो आप यस करके भेज दीजिए भैया। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं।
तो आप लोगों को सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में क्वेश्चंस को फ्रेम करना आना चाहिए कि क्वेश्चंस बनेगा कैसे और टॉपिक की डिमांड क्या है। ये चीज क्लियर हो गया। तो यहां से तीन तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मली हैं। सबसे पहले कौन युग सुमेलित है, कौन युग सुमेलित नहीं है और मैचिंग कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम इंडस्ट्री पॉलिसी कब लागू हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत की कौन सी उद्योग नीति चल रही है, पूंजीवाद की ओर कौन सी उद्योग नीति ने भारत को अग्रसर किया, समाजवाद की ओर भारत की कौन सी उद्योग नीति ने अग्रसर किया। क्लियर हो गया। आगे चलें, पहली उद्योग नीति के शासन में भारत का प्रधानमंत्री कौन था 1948 में, कौन था बोलो। कितनी बड़ी समस्या है, 1947 नहीं बल्कि 1946 से लेकर 1962 तक भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोगों को ये भी सन याद नहीं है क्या? कोई क्लास में ऐसा है जिसको आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने सभी का सनवाइज याद हो, राष्ट्रपति याद हो, प्रधानमंत्री याद हो? नहीं है क्या? इसमें से क्वेश्चंस नहीं आता। बहुत बार क्वेश्चंस मैंने देखा है, इधर डाल देगा राष्ट्रपति, इधर डाल देगा उनका कार्यकाल, मैचिंग कीजिए। इधर डाल देगा प्रधानमंत्री, इधर डाल देगा उनका कार्यकाल, मैचिंग कीजिए। तो क्या करेंगे आप लोग, प्रधानमंत्रियों का क्रम लगाइए। आता है या नहीं? प्रधानमंत्रियों का क्रम लगाइए, राष्ट्रपतियों का क्रम लगाइए कि कौन सा कब आया। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो उद्योग नीति है, उद्योग नीति का उद्देश्य क्या था, यानी इससे लाभ किसको होगा, उद्देश्य क्या था, अर्थ क्या था, ये तीन चार चीजें हम समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को उद्योग नीति का अर्थ बता रहा हूं। यानी हमें यह पहचान करना था कि स्वामित्व कौन है। यानी 1948 से पहले हम ये नहीं पहचान कर पा रहे थे कि स्वामित्व कौन है। स्वामित्व का मतलब जानते हैं आप लोग या नहीं? यदि जानते हो तो बताओ, मैं फिर आगे बढ़ूं। नहीं जानते? स्वामित्व का मतलब है कि ये एक लैंड है, इस भूमि का मालिक कौन है। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमें जो उद्योग नीति थी, इस उद्योग नीति के जरिए इसके अर्थ में हमको उसके स्वामित्व को जानना था। उसके स्वामित्व को जानना था, यदि कोई इंडस्ट्री है तो उसका स्वामित्व कौन है, उसका मालिक कौन है। यानी इस तरीके की जो एक्टिविटी थी हमें उसके अर्थ में डालना, उसको स्वामित्व कौन है, उसका टर्नओवर कितना है और उससे प्रॉफिट क्या क्या है। आगे बढ़े। फिर जो उद्योग नीति है, सबसे बड़ी बात यह कि उद्योग नीति से जो प्रॉफिट होगा वो किन किन लोगों को होगा। मैं सब एक छोटा सा बता रहा हूं जो बार बार आप लोगों को बताता हूं, ये मुझे भी बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। कोई सी भी इंडस्ट्री पॉलिसी हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज के निम्न और मध्य वर्ग के लोगों को लाभ होता है। वो क्यों होता है भैया जी? भारत में यदि उद्योग लगेंगे तो उद्योग लगने के कारण चीजें क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी, वस्तुओं के दाम सस्ते हो जाएंगे। अर्थात जो महंगी वस्तुएं वो कम रेट पर मिलने प्रारंभ हो जाएंगी, जिनसे मध्य और निम्न वर्ग के लोगों को मानसिक विकास में भी परिवर्तन आएगा, उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक होगी। अर्थात उनका जीवन, यानी रोजमर्रा की जिंदगी का जो जीवन है वो सुगम बनेगा। ये मैंने पीछे भी लिखवाया था, जो सैटरडे गया है, फ्राइडे और सैटरडे, ये तब भी बोला था। तो कभी भी प्रॉफिट की बात आए, इंडस्ट्री में कुछ भी चल रहा है, तो भारत सरकार हो या वो अमेरिका की सरकार हो या वो चाइना की सरकार हो, कहीं की भी हो, जब वो उद्योग नीति लाती है तो जो पूंजीवादी लोग हैं तो उनका उद्देश्य ये होता है कि हमें पूंजीवाद को उठाना है। समाज का निम्न वर्ग क्या करता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता या मुझे इसकी परवाह नहीं लेनी है। ये बात क्लियर हो गया। समाज के निम्न वर्ग को, यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले लोग होते हैं, वो छोड़कर चलते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ कि ब्रिटिश वालों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत में विकास किया, क्या उस विकास से भारत को भी कुछ प्रॉफिट हुआ या नहीं? ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है। तो वही है कि पूंजीवादी लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए जो पॉलिसी लाते हैं, परंतु उनका भी प्रभाव समाज के निम्न और मध्य वर्गों पर होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो पूरा ही प्रभाव, जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो वो किस पर होता है, समाज के निम्न वर्ग पर और मध्य वर्ग पर होता है। आगे चले। जब कोई भी, मतलब मैं इसके उद्देश्य में एक दो तीन चीजें आपको बोल रहा हूं। देखो, कोई भी पॉलिसी लाई जाएगी तो उसका उद्देश्य क्या होगा, सबसे पहला उद्देश्य तो होगा कि जीवन को सुगमता पूर्वक बनाना। दूसरा उद्देश्य क्या होगा, मैं यहां बात कर रहा हूं कि अधिक से अधिक रोजगारों की आपूर्ति करना। शब्द ऐसे बोलो जो आप लोगों को एग्जामिनर देखे भी तो लगे अच्छा है।
अधिक से अधिक रोजगारों की उपलब्धता कराना, अधिक से अधिक रोजगारों के अवसर प्रदान करना। ये चीज क्लियर हो गया? जब आपको यह इतना पता चल गया कि हमें रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों के पीछे हमें क्योंकि मैं इसको डेप्थ में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि यहां से मुझे लग नहीं रहा है कि क्वेश्चंस के ज्यादा आने के चांसेस, जो आने के चांसेस है उनमें मैं लेकर चलूंगा। ये चीज क्लियर हो गया? तो डालो टॉपिक्स उद्योग नीति, उसके बाद आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उद्योग नीति, उद्योग नीति का अर्थ, हो गया? लिखो अर्थ के आगे तीर लगाओ, उसके आगे लिखो, लिखो उद्योग के स्वामित्व, उद्योग के स्वामित्व और संरचना, उद्योग के स्वामित्व और संरचना तथा उद्योग के स्वामित्व और संरचना तथा उसके प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए, उसके प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए, उसके प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए, उसके प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए सरकार द्वारा, लाई गई नीति औद्योगिक नीति कहलाती है। लाई गई नीति औद्योगिक नीति कहलाती है। आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओ लिखने की, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, हो गया? लिखो उद्देश्य, औद्योगिक नीति के उद्देश्य, औद्योगिक नीति क्यों लाई जाती है, इसके पीछे के उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, उत्पादन में निरंतर, वृद्धि को बनाए रखना, उत्पादन में निरंतर वृद्धि को बनाए रखना। नेक्स्ट लिखो, रोजगार में अवसर उपलब्ध कराना, या रोजगार की उपलब्धता या अवसरों की उपलब्धता, रोजगार में अवसर उपलब्ध कराना या अवसरों की उपलब्धता, हो गया? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो, लाभकारी उद्देश्यों को बढ़ावा देना या उद्योगों को बढ़ावा देना, लाभकारी उद्योग को बढ़ावा देना नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा को इंग्लिश में बताओगे? कंपटीशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राप्त करना, हो गया? नेक्स्ट लिखो, स्वतंत्रता के बाद, नहीं 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 नेक्स्ट स्टार बना के लिख दो या एक लाइन छोड़ के लिख दो, हेडिंग है, मेन लाइन है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा जारी की गई उद्योग नीति, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ आप लोग। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा जारी की गई उद्योग नीति, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा जारी की गई उद्योग नीति, हो गया? अब इस तरीके से लिखाऊं कि प्रथम उद्योग नीति 1948, कोई जरूरत नहीं है ना, आप लोग समझदार हैं, तो इस उद्योग नीति के नीचे ये लाइन डाल दो आप लोग, 1948, 1956, 1977, 1980, 1990, 1991।
हो गया, इसको एक बार नीचे से कर दो भैया। आगे बढ़ूं? अब देखो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझना है, ठीक है। यहाँ से मैं इन तरीके की कुछ पॉलिसी नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से कोई डेप्थ में नहीं जाएगा क्वेश्चंस। बस क्वेश्चंस क्या आने वाला है कि वर्तमान में कौन सी उद्योग नीति है, प्रथम कौन सी उद्योग नीति है, आज तक कुल कितनी उद्योग नीति आई है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और इधर उद्योग नीति डाल देगा, इधर इनका सन डाल देगा, मैचिंग करने को वो दे सकता है। ये चीज क्लियर होगी, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। या भारत की किस इंडस्ट्री पॉलिसी को यानी आर्थिक संविधान कहा जाता है, तो 1956 इसको क्या कहा जाता है, यानी आर्थिक संविधान। ये क्वेश्चंस मैंने काफी बार बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में देखा है, यहां लिखना नहीं है अभी आपको, मैं 1948 भी समझाऊंगा आपको पहले। ये क्वेश्चंस मैंने भारत के काफी अच्छे एग्जामों में देखा है, लाइक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने भी ग्रेजुएशन से पेपर कराता है आरबीआई, उसने उस एग्जाम में पूछा हुआ है, और पीसीएस ने भी पूछा हुआ है, और स्पेशल इकोनॉमिक से जिनमें डिमांड होती है, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें बी कॉम की डिमांड होती है, एम कॉम की डिमांड होती है, तो वहां जो एग्जाम होते हैं वहां तो ये काफी बार आया हुआ है। ये चीज क्लियर है, आगे बढ़ो। देखो भारत की प्रथम उद्योग नीति 1948, ये चीज क्लियर होगी। इसने क्या किया, भारत को उद्योगों को यानी चार भागों में बांटा, आप समझना। निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग नीति में भारत के उद्योगों को चार भागों में बांटा गया था? अब चार भाग भी मैं आपको लिखवा सकता हूं, चारों के अंदर क्या क्या चीजें थी वो भी लिखवा सकता हूं, लेकिन वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आज तक आपके एग्जाम में आया भी नहीं, क्योंकि मैं अभी 8-10 दिन पहले मैंने आपका आज तक जितना भी पेपर हुआ 2003, 2006, 2009, 2011 तो वो सारों का अध्ययन मैंने किया है। अभी पीछे मैं 8-10 दिन से पूरा जुडिशरी पे फोकस कर रहा हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं अकॉर्डिंग टू उसी के डिमांड चल रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ से बस एक क्वेश्चन नॉर्मल ही है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में संभावना है कि भारत की कौन सी उद्योग नीति में उद्योगों को चार प्रकार में वितरित किया गया था या चार भागों में वर्गीकृत किया गया था, तो कौन सी? और 1956 की जो उद्योग नीति है इसमें भारत के उद्योगों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया था, ये चीज क्लियर हो गई। 1977 की पॉलिसी है, जैसे सत्ता का परिवर्तन होता है, आप लोगों को पता होगा 1977 में भारत में पहली बार सत्ता का परिवर्तन हुआ, अर्थात गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई ने क्या काम करा, पीछे की इंडस्ट्री पॉलिसी को उलट कर एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी ला दी। इतनी खास कोई बात नहीं है, लेकिन यह आता है कि भारत गैर कांग्रेसी, क्वेश्चन समझो, गैर कांग्रेसी औद्योगिक नीति पहली बार कब पारित की गई थी? क्या क्वेश्चंस कोई गहराई में है? कुछ गहराई में नहीं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुआ है। जिसको ये पता हो कि पहली बार कांग्रेस सरकार कब बनी थी, 77 में, और इंडस्ट्री पॉलिसी 77 में आई थी, तो पहली बार उससे पहले थोड़ी आ जाएगी, उसके बाद आई है तभी आएगी। तो पहली बार, क्वेश्चन समझ लीजिए, पहली बार यानी गैर कांग्रेसी सरकार ने उद्योग नीति कब जारी की थी? 1977। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, बाकी जितनी भी औद्योगिक नीति है ये सारी औद्योगिक नीति कांग्रेस सरकार ने, ये भी कांग्रेस सरकार, ये भी कांग्रेस सरकार, ये भी कांग्रेस सरकार, ये भी कांग्रेस सरकार, और ये भी कांग्रेस सरकार। तो एक क्वेश्चन और बन गया, निम्नलिखित में से वह कौन सी औद्योगिक नीति या इंडस्ट्री पॉलिसी है जो गैर कांग्रेस सरकार के द्वारा जारी की गई? तो माइंड को चलाओ, सब कुछ यही है, यहां से आपके 50 क्वेश्चन और बन सकते हैं, बनाने आपको ही है। ये चीज क्लियर हो गई। तो भारत का आर्थिक संविधान कौन सी इंडस्ट्री पॉलिसी को कहा जाता है, और प्रथम पॉलिसी में कितने भाग में बांटा गया था, और सेकंड पॉलिसी में कितने भाग में बांटा गया था, पहली बार गैर सरकारी कौन सी है, आगे चलें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, 1991 में प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन यहां से बहुत ही बारी पूछा गया है कि 1991, और 1991 तो सन वैसे भी बहुत प्यारा है, क्योंकि 1991 में क्या होता, भारत में भाषाओं को लेकर भी परिवर्तन हुआ था, आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन 1991 में भाषाओं को लेकर भी परिवर्तन हुआ था।
तो 1991 की जो उद्योग नीति है तब ये क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौन था, पीवी। ये बात समझ में आ गया। वित्त मंत्री कौन था, सरदार जी। ये चीजें आप लोगों के क्लियर हैं, आगे बढ़ जाऊं। तो यहां पर वित्त मंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो पॉलिसी चलाई उसको छठी यानी सिक्स वी उद्योग नीति कहा जाता है, या छठी उद्योग नीति कहा जाता है, या सिक्स इंडस्ट्री पॉलिसी कहा जाता है। क्लियर हो गया। यहां पे क्या हुआ, जब हम लोगों के पास पैसा नहीं बचा, मात्र वन सही वन अपॉन टू डेढ़ दिन का पैसा बचा हुआ था, ऐसे क्या चमत्कार किया, ऐसे क्या चमत्कार किया सरदार मनमोहन सिंह जी ने, यानी वो कितने अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे कि उन्होंने यानी समाजवाद से हटाकर भारत को पूंजीवाद की ओर धकेला, यानी पूंजीवाद की ओर उसको अग्रसर किया, समाजवाद से हटाकर पूंजीवाद की ओर अग्रसर किया। और उन्होंने तीन शब्द बोले, एक का नाम है निजीकरण, यानी निजीकरण, आप लोग ध्यान दीजिए, उन्होंने कितने शब्द बोले, उन्होंने तीन शब्द बोले, एक का नाम है निजीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण, विश्वव्यापीकरण। ये तीनों शब्दों को हम लोगों को समझना है। आप पहले शब्दों को समझने पे थोड़ा ध्यान दो। निजीकरण का क्या मतलब है, सरदार जी ने कहा है कि जो कंपनियां भारत सरकार की लॉस में चल रही हैं, उन सभी कंपनियों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, उन सभी कंपनी को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेच दिया जाए। आप एक बात बताओ कि भारत सरकार की सैकड़ों कंपनियां ऐसी थी, यानी तब भारत सरकार की सैकड़ों कंपनी ऐसी थी जो लॉस में चल रही थी, और सैकड़ों कंपनियों का जब निजीकरण किया गया, प्राइवेट से निकालकर तुरंत निजीकरण किया गया, तो अरबों रुपए की तादाद में यहां से पैसा आया। ये माइंड का खेल है, ये सब मस्तिष्क का है। उससे पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे, लेकिन उनका विचार नहीं आया ऐसा। तो उन्होंने क्या किया कि कंपनियों का, यानी जो भी सरकारी कंपनी, जो भी गवर्नमेंट कंपनी लॉस में जा रही हैं, बार बार निरंतर पिछले दो दशकों से वो लॉस दिखाती आ रही हैं, और भारत सरकार उन्हें पैसे पे पैसा देती आ रही है, लेकिन वो कंपनी लॉस में ही चल रही हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, तो हमने सीधा ही क्या किया, कंपनी को निजीकरण में तब्दील कर दिया, प्राइवेट कंपनी यानी सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलने का प्रयास किया, और काफी यहां पर सैकड़ों कंपनियां बदली भी गई। ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। दूसरा क्या है, विश्व उदारीकरण। उदारीकरण क्या है, जब भी भारत में कोई भी कंपनी स्थापित की जाती है, विश्व का कोई भी देश यदि भारत में अपनी कंपनी को स्थापित करेगा, तो उसे स्थापित करने से पहले लाइसेंस की जरूरत होती है, और किसी भी कंपनी को लाइसेंस लेने में एक बहुत ही कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता था। फॉर एग्जांपल 500 करोड़ रुपए यदि किसी कंपनी के पास में है तो उसे लाइसेंस मिलेगा, यानी एक कठोर प्रक्रिया थी। तो यहां पर क्या किया, उदारीकरण के तहत सरदार मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप आओ, अब आपको 500 करोड़ नहीं, आप 10-20-50 करोड़ रुपए दो, क्योंकि मैं एग्जिट इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपके लेवल का नहीं है, लेकिन आपको सेंस समझना है। उदारीकरण का मतलब क्या है, यानी जो भारत में कंपनियां लगाई गई उनके प्रति हम लोगों ने अपना नरम व्यवहार दिखाया, हम लोगों ने सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई मैं आपके घर के सामने एक ठेली लगाना चाहता हूँ, उनको पहले मैं लेता था 10,000 रुपये महीना, अब जब मेरे पास खुद में पैसा नहीं बचा तो मैंने क्या नीति अपनाई, मैंने कहा कि भाई तू लगा ले और जब तेरे पास हो दे देना और जो मन करे वो दे देना। तो वो लगाएगा या नहीं लगाएगा, लगाएगा ना। तो एक सॉफ्ट पॉलिसी चलाई गई, लाइसेंस की जो एक कठोर प्रक्रिया थी उस कठोर प्रक्रिया को कैंसिल किया गया, और उसके स्थान पर यानी उदारीकरण, हम लोगों ने उदार भाव, सहानुभूति, सिंपैथी, इम्पैथी, इस तरीके की चीजें हमने कंपनियों के प्रति दिखाई। तो यहां पर उसके बाद में यानी विश्व की बहुत सारी कंपनियों ने भारत में अपने हेड ऑफिस बनाए और विश्व की बहुत सारी कंपनियां भारत में आई। सपोज दैट यदि 50-50 करोड़ रुपए भी 100 कंपनी भारत में आई होंगी, लगा दिया होगा, तो कितना हो गया, 100 × 50 कर लीजिए। तो इस तरीके से यानी सरदार मनमोहन सिंह जी ने ये तीन शब्द चलाए, निजीकरण, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण। इन तीन शब्दों से मैं बात कर रहा हूं,
भारत की जो इंडस्ट्री पॉलिसी है वो अचानक से बहुत परिवर्तन हो गई, अर्थात जहां भारत इकोनॉमी की में बहुत डाउन जा रहा था, उसके पास खुद खुद का खर्च करने के लिए, खुद खाने के लिए पैसा नहीं था, सडनली एक ऐसी पॉलिसी आती है जिस पॉलिसी के बाद भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है। ये बात समझ में आ गया, इतना क्लियर है, दोनों शब्द क्लियर हैं। यानी विश्वव्यापीकरण, विश्वव्यापीकरण का मैं बात कर रहा हूँ, ये जो विश्वव्यापीकरण इस पॉलिसी के चलाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य ये भी था कि हमें विश्व के देशों को अपनी ओर आकर्षित करना है। जब तक विश्व के देश हमारी ओर आकर्षित नहीं होंगे तो हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी कैसे आगे बढ़ जाएगी, उद्योग नीति कैसे आगे बढ़ जाएगी। सैमसंग कंपनी भारत में होगी, कोरिया कंपनी भारत में होगी, चाइना कंपनी भारत में होगी, अमेरिका कंपनी भारत में होगी, यानी विश्व के लगभग 150 देशों की कंपनियां भारत में होंगी। जब वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, जब वो भारत में प्रोडक्ट बनाएंगी, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट को बनाकर बेचेंगी। जब वो बेचेंगी, यदि किसी कस्टमर को बेचती हैं तो कस्टमर उस पर टैक्स देगा, और जब कस्टमर टैक्स देगा तो टैक्स भारत सरकार पे जाएगा, और इस तरीके से भारत सरकार की जो रुपया है वो इकट्ठा हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर। तो नीचे मैं तीनों दोबारा बताता हूँ, निजीकरण का मतलब क्या है, सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी के हाथों बेच दो, जो आज मोदी जी कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई, रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, गेल बेच दिया, पता नहीं क्या क्या बेच दिया, एयरपोर्ट तक बेच दिए गए हैं, सी पोर्ट तक बेच दिए गए हैं, जो आज मोदी जी कर रहे हैं वही 1991 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, सॉरी वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया था। हम लोग बोलते हैं कि ये बेच दिया, वो बेच दिया, वो बेच दिया, भाई वो किसी और के लिए थोड़ी बेच रहा है, वो भारत के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ही सारे काम कर रहा है। हमको दोनों पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं, निजीकरण बिल्कुल क्लियर हो गया, उदारीकरण क्लियर हो गया, विश्वव्यापीकरण का मतलब क्या है कि जब हम ये वाली पॉलिसी अपनाएंगे तो भारत ऑलरेडी विश्वव्यापीकरण में पहुंचेगा, क्योंकि सॉफ्ट पॉलिसी होगी। आप एक बात बताओ, आपको जर्मनी जाने के लिए 1,00,000 रुपए की जरूरत है, 1,00,000 रुपए आप जर्मनी वालों को दो और अपना धंधा कोई भी स्टार्ट कर दो, और फ्रांस में जाते हो तो आपको 50,00,000 रुपए की जरूरत है, तो कहां जाना प्रेफर करेंगे, बोलो आप कहां जाना प्रेफर करोगे। क्लियर हो गया, तो बोला करो, क्योंकि आपको बहुत सारे जजमेंट देने होंगे, और एक जज में वो पावर होती है कि सामने दी आईएएस खड़ा तो उसको भी रुवा देता है, एक जज में वो पावर होती है कि सामने आईपीएस खड़ा ना उसको बोल देता है इसको कांस्टेबल बनना चाहिए, हटाओ इसको, भेजो यहां से। सुने ऐसे जजमेंट, यानी मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ता हूं, बहुत लाइक करता हूं मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को, और सबसे ज्यादा डीवाई चंद्रचूड़ को, क्योंकि उन्होंने जितने भी केस सुनाए हैं लगभग लगभग सभी केस बहुत अच्छे हैं, लगभग लगभग सभी केस बहुत अच्छे हैं, हर व्यक्ति 100% सही नहीं होता, लगभग उनके सारे केसेस अच्छे हैं। तो क्लियर हुआ, तो लिखिए 5-6 क्वेश्चन यहां से नॉर्मली ऐसे बना दो, स्टार बनाते रहो और लिखते रहो। लिखो फर्स्ट, प्रथम उद्योग नीति, प्रथम उद्योग नीति में, प्रथम उद्योग नीति में उद्योग को 4 व्यापक क्षेत्रों में बांटा गया था, 22 लैंग्वेज कंप्लीट। 1991 नहीं है मेरे भैया, तुम गलत बोल रहे हो, 1991 वा अमेंडमेंट 2003, यहां पर 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। मैंने क्या लाइन बोली, एक बार बोलिए आप, प्रथम उद्योग नीति के द्वारा भारत के औद्योगिक क्षेत्र को 4 व्यापक क्षेत्रों में बांटा गया था, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम उद्योग नीति, अब इसको शॉर्ट में लिख दो, इंडस्ट्री पॉलिसी आईपी, फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी, फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी, फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी समाजवादी अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी समाजवादी अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। ये चीज क्लियर हो गया, फर्स्ट
इंडस्ट्री पॉलिसी समाजवादी अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। लिखो, सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी, सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी को, सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी को भारत का आर्थिक संविधान, सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी को भारत का आर्थिक संविधान और सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी को भारत का आर्थिक संविधान और सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी को भारत का आर्थिक संविधान और पूंजीवाद की बाइबिल कहा जाता है। पूंजीवाद की बाइबिल कहा जाता है। हो गया। नेक्स्ट, सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी में उद्योग को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। सेकंड, हाँ इसी में स्टार बना के लिखते रहो, सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी में उद्योग को तीन व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रथम इंडस्ट्री पॉलिसी, नेक्स्ट, प्रथम इंडस्ट्री पॉलिसी जो, प्रथम इंडस्ट्री पॉलिसी जो, तेजी से लिखो, प्रथम इंडस्ट्री पॉलिसी जो गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा लाई गई, प्रथम इंडस्ट्री पॉलिसी जो गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा लाई गई, प्रथम इंडस्ट्री पॉलिसी जो गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा लाई गई। लिखो थर्ड, प्रथम इंडस्ट्री पॉलिसी जो गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा लाई गई, थर्ड हो गया। उसके ब्रैकेट में डाल दो 1977। प्रथम इंडस्ट्री पॉलिसी जो गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा लाई गई, इसके आगे तीर लगा के लिखो थर्ड, तीसरी इंडस्ट्री पॉलिसी है। हो गया। अब इसके ब्रैकेट में डाल दो 1977। दो मिनट का वेट करो। स्टार बना के पॉइंट लिखो। तीसरी उद्योग नीति में, बड़ी गहरी समस्या है, तीसरी उद्योग नीति में लघु एवं कुटीर उद्योग पर बल दिया गया था। ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरी उद्योग नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया था। हो गया। नेक्स्ट लिखो स्टार बना के। तीसरी उद्योग नीति में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर बल दिया गया था। सन की क्या जरूरत है, आपको स्टार्टिंग में लिखवा ही दिया। नेक्स्ट लिखो, चौथी उद्योग नीति यानी फोर्थ इंडस्ट्री पॉलिसी फोर्थ इंडस्ट्री पॉलिसी में आर्थिक संघ की अवधारणा, फोर्थ इंडस्ट्री पॉलिसी में आर्थिक संघ की अवधारणा, आर्थिक संघ की अवधारणा पर बल दिया गया, पर बल दिया गया। नेक्स्ट, भारत की सिक्स इंडस्ट्री पॉलिसी, भारत की सिक्स इंडस्ट्री पॉलिसी, भारत की सिक्स इंडस्ट्री पॉलिसी
प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन राव, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन राव एवं वित्त मंत्री, वित्त मंत्री सरदार मनमोहन सिंह, आज सरदार जी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, सरदार मनमोहन सिंह जी द्वारा जारी की गई थी। बहुत सम्मानित व्यक्तियां जी लगाना बनता है। सरदार मनमोहन सिंह जी द्वारा जारी की गई थी। देखो ये सारी चीजें लिखवाने की नहीं है, ये मुक्त कर दिया गया, लाइसेंस मुक्त कर दिए गए। तो मेन तीन चीजें मैं बोल रहा हूं, लिखो सिक्स उद्योग नीति में स्टार बना के, सिक्स उद्योग नीति में निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण, सिक्स उद्योग नीति में निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण पर बल दिया गया, पर बल दिया गया। हो गया? आप कॉपी के नीचे दो लाइन छोड़ो, लिखो, टॉपिक डालो, न्यू टॉपिक है, आप लोगों को न्यू टॉपिक डालना, मुद्रा एवं बैंकिंग। एक टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग, आपका कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, यहां से क्वेश्चन आएगा। आप कोई सा भी एग्जाम दो, किसी भी स्टेट का पीसीएस देना, किसी भी स्टेट का जुडिशरी देना और यूपीएससी देना, मतलब आपको तो जो देना फाइनल वही है, यहां से लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता। वो ऐसे ही करता है, उसको बोलते हैं कि उच्चारण, बहुत सारे एग्जामों में ऐसे करता है, सॉरी बहुत सारे एग्जामों में नहीं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी में, सभी एग्जामों में वो ऐसे करता है। आगे बढ़े, देखो मुद्रा एवं बैंकिंग में मैं एक टॉपिक है मुद्रा, अभी इसको ब्रेक कर रहा हूं कुछ समय के लिए। आप लोगों ऑनलाइन वालों को भी बोला जा रहा है कि आप क्वेश्चंस मत करना कि सर मुद्रा क्या है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस करोगे तो फिर मैं 10 परिभाषा दे दूंगा और 10 अर्थशास्त्रियों के अनुसार दे दूंगा। जैसे मुद्रा एक वस्तु है जो दूसरी वस्तु की ओर संकेत करती है, जैसे कि आपकी जेब में पैसे हैं 10-20-50 हज़ार रुपये आपके पर्स में हैं या आपके मोबाइल में हैं, जब आप मार्केट जाते हैं तो अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदने का मन करता है, अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, जब पैसे हैं तो तभी करता है और जब पैसे नहीं है तो नहीं करता है। तो मुद्रा जेब में है तो संकेत कर रही दूसरी वस्तु की ओर, उधर टंगा हुआ है सूट तो उधर की ओर संकेत करे कि वहां चलते हैं, हम उसको लेते हैं क्योंकि पैसा है, और जब पैसा नहीं होगा तो फिर किसी की ओर संकेत नहीं करे किया जाएगा, फिर सीधा चला जाएगा। ये चीज क्लियर है? तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो दूसरी वस्तु की ओर संकेत करती है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है या मुद्रा एक ऐसा चेक है जो सुविधापूर्वक कहीं भी बुनाया जा सकता है। जर्मन, जापान, इटली, फ्रांस, रूस, कनाडा, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो एक ऐसा चेक है आपके पास में, पैसा एक ऐसी चीज है जो कहीं पे भी उसको बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब आते रहते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि ये टॉपिक पूरा डेप्थ में बताएंगे। यहाँ मुद्रा स्फीति आएगा, मुद्रा अपस्फीति आएगा, मुद्रा संस्फीति आएगा, मुद्रा संकुचन आएगा, मुद्रा स्फीति फैल जाती है तो क्या लोगों पे प्रभाव पड़ता है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस डेप्थ में पूछता है, तो इसको थोड़ा डेप्थ में लेकर चलेंगे। यहाँ एक टॉपिक को अब हम लेते हैं, यानी ये दोनों टॉपिक साथ साथ चलते हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो मेरा जो यहाँ आप लोगों से फाइनल, हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, हम बैंकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि दो क्वेश्चंस मैं नॉर्मली आप लोगों को दे रहा हूं, तो सबसे पहले विश्व में बैंकों की मां किसे कहा जाता है और विश्व में बैंकों का पिता किसे कहा जाता है।
ये को दोनों ही क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा सर बैंकों के भी माँ पिता होते हैं, हाँ उनके भी होते हैं, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यानी विश्व में या वर्ल्ड में बैंकों का पिता किसे कहा जाता है, तो WB यानी वर्ल्ड बैंक। ये चीज क्लियर हो गई, बैंकों का पिता किसे कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक। अब आप साथ के साथ लिखते चलना, बैंकों का पिता किसे कहा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है, और बैंकों की माता किसे कहा जाता है, तो बैंक ऑफ लंदन। बैंकों की मां किसे कहा जाता है, तो बैंक ऑफ लंदन। ये दो क्वेश्चन हुए हैं अभी आप लोगों के। अब हम अपने आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो विश्व का प्रथम बैंक ये कहां पर ओपन किया गया था, तो ये इटली में ओपन किया गया था। ये चीज क्लियर होगी। तो क्वेश्चन आएगा कि विश्व का प्रथम बैंक कहां ओपन किया गया था, तो विश्व का प्रथम बैंक इटली में ओपन किया गया था, यानी 1397। ये चीज क्लियर हो गया। तो विश्व का प्रथम बैंक कहां पर स्थापित किया गया था, तो इटली में किया गया था। ये चीज क्लियर है। अब एक यहां मैं एक छोटा सा पॉइंट डाल देता हूं, 1914 से 1918 का जो काल है उसको बैंकों का संकट काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध के कारण बैंकों के पास पैसा नहीं बचा था, सब लोगों ने पैसा निकालकर युद्ध में झोंक दिया। ये चीज क्लियर हो गया। शब्दों को समझने पे ध्यान देना, बैंकों का पिता किसे कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है, बैंकों की माता किसे कहा जाता है, बैंक ऑफ लंदन को कहा जाता है, और बैंकों का संकट काल कब से कब तक रहा, 1914 से 1918 तक रहा, बिकॉज क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, एक वर्ल्ड वार चल रहा था पूरे विश्व में, और विश्व का प्रथम बैंक कहां खोला गया था, इटली में खोला गया था, यानी 1397 में। ये चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात कर लेते हैं, यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये भारत का प्रथम बैंक है। आप लैंग्वेज में लिखना अपनी, यानी भारत का प्रथम बैंक कौन सा है, यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसको 1770 में स्थापित किया गया, बट ये नहीं चल पाया, ये फेल हो गया। स्थिति दयनीय है। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन ये नहीं चल पाया, ये फेल हो गया। आगे चलें, इसके बाद आज तक भारत में कितने बैंक बने, तो उसके लिए HB3MA3PIBAC, यहां पे यानी 27 बैंक निकल के आ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ना तो आया और ये भी गारंटी है ना ही आएगा। अभी तक ना तो आया है ना ही आएगा। यहां से क्वेश्चंस, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट फिर भी मैंने इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, यानी फर्स्ट ऊंचा नीचा लंबा छोटा, नहीं, ये बैंक ऑफ जो हिंदुस्तान है कलकत्ता में खुला था और अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा खोला गया था, यानी लाहौर में खुलने वाला भारत का, यदि मैं प्रथम बैंक की बात करूं तो PNB का जो ऑफिस था वो लाहौर में था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये भारत का प्रथम बैंक है। आगे चलूं, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एक बैंक है इलाहाबाद बैंक। ये चीज क्लियर हो गया। तो मैं मेन चीजें ले रहा हूं यहां पर, जो इलाहाबाद बैंक है जो 1865 में ओपन हुआ था, 1865, और इसकी क्वालिटी है बहुत बार एग्जाम में आया, भारत का प्रथम बैंक। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है, इलाहाबाद बैंक। ये चीज क्लियर हो गई। यदि मैं नेक्स्ट बात करता हूं, तो इसके बाद में एक बैंक है, आपने सुना होगा, PNB, पंजाब नेशनल बैंक,
ये 1894 में स्थापित हुआ, 1894। इसकी स्थापना में योगदान किसका रहा? भाई लाला हरदयाल, लाला हरदयाल प्लस लाला लाल हरकिशन, हरी किशन हो गया। तो जो पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये 1894 में ओपन हुआ, लाला हरदयाल और लाला हरकिशन की योगदान से हुआ। इन कहां? ये लाहौर में स्थापित किया गया। ये चीज क्लियर हो गई। और पीएनबी की क्वालिटी क्या है मेरे दोस्त? ये भारत का प्रथम भारतीय बैंक है, भारत का प्रथम भारतीय बैंक। अब अंतर समझ लीजिए, भारत का प्रथम बैंक, भारत का प्रथम भारतीय बैंक, यह चीज क्लियर हो गया। बिल्कुल मेन मेन पॉइंट दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। बैंकों का पिता किसे कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक। बैंकों की माता किसे का? आप लोग बोलना है, बैंकों की माता किसे कहा जाता है? और बैंकों का संकट काल कब से कब तक रहा? 1914 से 18 तक। विश्व बैंक, विश्व का प्रथम बैंक कहां पर ओपन किया गया था? इटली में। कभी कभी एग्जामिनर यहां पर हमारे साथ में गेम खेल देता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ सब गेम खेलना चाहते हैं। तो इसीलिए यहां पर एक बार मैं एग्जाम में देखा, मेरे एग्जाम याद नहीं आ रहा कौन सा है वो, तो उसने पूछा था कि विश्व का प्रथम बैंक इटली के कौन से शहर में खोला गया, तो यदि पूछने लगे तो फ्लोरेंस। इटली का फ्लोरेंस शहर था जहां पर यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम बैंक यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बट फेल्ड हो गया। भारत का प्रथम बैंक, बैंक ऑफ इलाहाबाद। भारत का प्रथम भारतीय बैंक, पीएनबी। यह चीज क्लियर हो गया। लाला हरकिशन, मेरे भैया ये 1397 1398 आप जितनी किताबों में जाओगे, ये किताबें एक दो साल सन आगे पीछे दिखाएंगी। आप लोगों को घबराना नहीं है, सन नहीं दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, जो दिया जा रहा है वो ऑथेंटिक है, इस पे आप भरोसा करो, भरोसे के सारे ही सब चल रहा है। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन से हमारा, अब हम एक बैंक को उठाएंगे और एक बैंक को उठाकर फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने एक बैंक उठाया जिसका नाम है एस बी आई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये चीज क्लियर हो गया। यदि मैं एसबीआई की बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955, पहला क्वेश्चन से इसकी स्थापना, इसकी स्थापना जो हुआ 1 जुलाई 1955 बाई गोरवाला समिति, गोरवाला समिति। तो दोस्त क्वेश्चन आएगा एसबीआई की स्थापना कब हुई? आप ध्यान दो, एसबीआई का स्थापना बोला करो, आप जब तक नहीं बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। एसबीआई का स्थापना कब हुआ? एसबीआई अपना दिवस कब बनाता है? एसबीआई की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई? ये क्लियर हो गया। यहां से तीन क्वेश्चंस क्लियर हुए, एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955। एसबीआई की स्थापना कौन से समिति की सिफारिश पर हुई? तो गोरवाला समिति। एसबीआई अपना दिवस कब बनाता है? तो 1 जुलाई को बनाता है। ये चीज क्लियर हो गई। एसबीआई भारत का प्रथम ऐसा बैंक है जिसकी शाखा विदेश में खोली गई। एसबीआई की मैं फर्स्ट शाखा की बात करता हूं, फर्स्ट ब्रांच, यानी फर्स्ट शाखा कहां खोली गई इसकी? तो चीन में खोली गई। ये जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा शाखा भी चीन में खोली गई हो, तो बट इसकी टू मच शाखा, टू मच ब्रांच कहां पर है? तो नेपाल में है। ये चीज क्लियर हो गया। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, एसबीआई ने अपनी प्रथम शाखा निम्नलिखित में से किस देश में ओपन की? एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? ये चीज क्लियर हो गई। अब एसबीआई की थोड़ा सा हम क्वालिटी को लेकर बात कर लेते हैं, एसबीआई की विशेषताएं क्या हैं वो पता होना जरूरी है।
एसबीआई की दो विशेषताएं मुख्य हैं। सबसे पहली तो ये कि ये भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अब आपके एग्जाम में ये डाल सकता है कि भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, और वाणिज्यिक इसको हिंदी में कहा जाता है, कॉमर्शियल इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक एसबीआई, और आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास तक, और रियलिटी ये है कि मैं मॉर्निंग से अभी तक कुछ नहीं खाया हूं, पानी पीने से अलग पढ़ा ही रहा हूं। यूपीएससी का मेंस आ रहा, आपसे पहले मैं स्टूडेंट को यूपीएससी के मेंस की प्रैक्टिस करा रहा था, उसके बाद फिर मैं इधर आ गया, और मेरी आवाज़ देखो शाम तक ऐसी रहेगी पॉजिटिव। आप लोग जब बार बार बोलोगे ना, तो चीज़ें बोलने से जो ना आप बोलोगे, खुद भी सुनोगे, तो वो आपको रिमाइंड होती रहती हैं। तो इसकी भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, एसबीआई। आगे बढ़ूं, इसकी दूसरी विशेषता है कि सबसे अधिक शाखाएं इसकी हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा बैंक है जिसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं? टू मच ब्रांच इन इंडिया। तो भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की हैं? एसबीआई की। यह बात क्लियर हो गई। अब एसबीआई की थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि को पढ़ लेते हैं। पृष्ठभूमि को इंग्लिश में कहा जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अर्थात हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। आपको तो लग रहा होगा कि सर आपने बोल दिया कि एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। नहीं, इसका इतिहास, इसका बाप कौन था, फिर उसके बाप कौन था, क्योंकि इसके बाप से भी क्वेश्चन आता है और इसके बाप से भी क्वेश्चन आता है, ये पता होना चाहिए। एसबीआई का जो पहले नाम था, यानी मैं इसकी पृष्ठभूमि की बात करूं, तो इसका पूर्व नाम इसका था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये चीज क्लियर हो गई। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये जनवरी 1921 में बना। ये चीज क्लियर हो गई। अब YouTube वाले प्लीज आप ये मत बोलना कि सर जनवरी की भी डेट बता दीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बाकी मैं कंटेंट बढ़वा सकता हूं, बोल सकता हूं कि 17 जनवरी, आपसे ओनली सनी डालेगा। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1921। तो 1921 से लेकर 1955 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही चल रहा था, बट 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ये बात क्लियर हो गई, कोई यहां समस्या तो नहीं है। अब आगे बढ़ूं। अब जो ये इंपीरियल बैंक, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये तीन बैंकों के मिलने से बना। ये जो बना ना, और क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से वह कौन सा बैंक है जिसके निर्माण में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के निर्माण में निम्नलिखित में से किस बैंक का योगदान नहीं है? तो इस तरीके से क्वेश्चन, यानी बैंक ऑफ कलकत्ता, आप बंगाल लिख दीजिए, मद्रास लिख दीजिए और बंबई लिख दीजिए। ध्यान से सुनो, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन बैंक थे। इन तीनों बैंकों को विलय करके कौन सा बनाया गया? अब यहां से जड़ चल रही है, ध्यान दो, समझो। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंबई, इन तीनों बैंकों को विलय करके क्या बनाया गया? एसबीआई। और एसबीआई का नाम चेंज करके क्या किया गया? ये चीज क्लियर हो गई। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1840 और बैंक ऑफ बंबई की स्थापना 1840। घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक 1843 दिखा रही होगी, मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन वो गलत है।
सारी बुकें 1843 दिखाती हैं, बट एग्जामिनर जो आपके एग्जाम कराती है, जो संस्था, वो 1840 इसको सही मानती है। तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1840, बैंक ऑफ बंबई की स्थापना 1840 और बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806, और इन तीनों बैंकों का विलय करके 1921 में 17 जनवरी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 में गोरवाला समिति की सिफारिश पर SBI में परिवर्तन कर दिया गया। SBI की प्रथम शाखा चाइना में खोली गई, SBI की सबसे ज्यादा शाखाएं नेपाल में, और भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक SBI है, और भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं SBI की हैं। ये चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़े। यदि मैं दोस्त बात करूं SBI को लेकर कुछ, और आप नीचे ऐसे ही बढ़ते रहना है ना, तो इसको लेकर हम कुछ बात करते हैं। तो अभी हाल ही में नहीं बल्कि 5-6 साल पहले तो SBI ने 8 बैंकों का अपने में विलय किया, जैसे बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ सरवनकोर, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ सरवनकोर, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ बीकानेर। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीजें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि मुझे लर्न है, मैं आपके कॉपी भरवा दूं, आपको भी लगे कि सर कोई और टीचर पढ़ाना है, यार उसने तो इतना पढ़ाया था। ये हमारे दिमाग में एक रहता है, वो टीचर तो बहुत छोटा करा के गया, इसने तो बहुत बड़ा करा दिया। ये अच्छा है, ये नहीं सोचना कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सोचना है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है। मैं 8 के 8 बैंक लिखवा सकता हूं और याद भी करा सकता हूं। MISS, एम बराबर बैंक ऑफ, मैं बात कर रहा हूं एम से क्या बन जाएगा, बैंक ऑफ मैसूर, आई से बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ सरवनकोर और बैंक ऑफ सौराष्ट्र। क्लियर हो गया। और HBP, एक पेंसिल आती थी, तो एच से बैंक ऑफ हैदराबाद और पी से बैंक ऑफ पटियाला। तो इस तरीके की चीजें बन सकती हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन से कि जो SBI है, SBI ने कुछ नीति जारी की है, SBI की कुछ पॉलिसी है, जो SBI की कुछ पॉलिसी हैं और SBI की कुछ प्लानिंग्स हैं जो SBI ने चला रखी। सबसे पहले गया सहयोगी निवास योजना, नंबर एक सहयोगी निवास योजना। ये क्वेश्चंस पूछे गए, सहयोगी निवास योजना निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा जारी की गई है। दूसरा ग्रीन बैंक योजना, ग्रीन बैंक योजना। क्लियर हो गया। तीसरा है SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, यानी ग्रीन निवास योजना और ग्रीन बैंकिंग योजना, SBI लाइफ इंश्योरेंस योजना, और इसका क्या है, एक अमृत कलश योजना, अमृत कलश योजना। तो ये चार योजनाएं हैं, ये चार नीति हैं, जो कि किसने जारी कर रखी है, ये हमारी SBI ने जारी कर रखी है। ये चीज क्लियर हो गई। एक बार मैं SBI को रिपीट करता हूं, आप एक बार ध्यान दीजिए। तो SBI की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 को। SBI का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कितने बैंकों को मिलाकर बना था, तो 3 बैंकों को मिलाकर बना था। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, 1806 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी, 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की, बैंक ऑफ बंबई की स्थापना 1840 में। चीज क्लियर होगी। वह बैंक जो जिसकी शाखा विश्व में सर्वाधिक है, तो कौन सा, SBI है। SBI ने पहली शाखा कहाँ खोली, चीन में। SBI ने दूसरी शाखा कहाँ खोली, नेपाल में। और विश्व, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो SBI है। आगे चलें, और मैं SBI का, ये चीज सब हो ही गया। और वर्ल्ड बैंकों का पिता किसे कहा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। बैंकों की माता किसे कहा जाता है, तो बैंक ऑफ लंदन को कहा जाता है। और विश्व का पहला बैंक 1897 में कहाँ खोला गया था, तो इटली के फ्लोरेंस शहर में खोला गया था। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1870 में अलेक्जेंडर कंपनी की सहायता से खोला गया था, बट फेल हो गया था। लेकिन भारत का प्रथम बैंक कौन सा जो सफल रहा, इलाहाबाद बैंक है। भारत का प्रथम पूर्णतः सफल बैंक कौन सा, तो PNB, लाला हरदयाल लाला हरकिशन की
सहायता से खोला गया था। आगे बढ़ें, एसबीआई चीज क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार ऑनलाइन वालों, यदि आपका हुआ नहीं है तो कर लो भैया, यदि हो गया है तो यस लिख के भेज दो भैया, यदि ये चीज आपकी हो गई है तो यस लिख के भेज दीजिए। आपकी बहुत सारी चीजें आज मैं लेकर आए जो मुझे फिनिश करना है, जो लेकर आए उसका 10% आप लोगों को दे रहा हूं मैं, और इस 10% में आप ये समझ लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। यस लिख दो भैया, यदि हो गया तो मुझे आगे बढ़ना है। भारत का प्रथम बैंक इलाहाबाद है, बट इलाहाबाद बैंक भारतीय लोगों की सहायता से नहीं खोला गया। भारत का प्रथम भारतीय बैंक जो भारतीय लोगों ने इन्वेस्ट करके खोला, तो वो कौन सा था? पीएनबी। क्लियर, आगे बढ़ो। अब क्वेश्चंस क्या है हमारा, अभी जो बैंक होते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, यानी जो बैंक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों होता है, इसके पीछे की नीति क्या है। आजादी से पहले बैंक तो इतने खास नहीं थे, लेकिन आप कहोगे सर 1840 में था, 1770 में था, हाँ नो डाउट था, लेकिन वहां भारतीय लोगों के खाते बहुत कम थे। जो ये विदेशी कंपनियां भारत में आई थी, इनका लेन देन चल रहा था, भारत के जो काफी अमीर राजघराने के लोग हैं उनका लेन देन चल रहा था, लेकिन जो मध्यम वर्ग का लोग है वो 99.9% बैंकों से वंचित था, जो निम्न वर्ग का लोग है वो 90-91% बैंकों से वंचित था। वो लोग क्या करते थे, अपनी लाली का ब्याह करना है, लाला का ब्याह करना है, बुआ का ब्याह करना है, तो वो आस पास के जो साहूकार लोग होते हैं, जो जमींदार लोग होते हैं, आज भी गांव में देखा होगा आप लोगों ने कि उनसे 10-20-50-1 लाख रुपए 2-5-10% पे ले लेते हैं। तो पहले साहूकारों से पैसा लिया जाता था, ये चीज क्लियर हो गई। साहूकार जब पैसा लेते थे, पैसा देते थे, तो उसके बदले वो कुछ रखवा लेते थे, यदि पैसा नहीं दे रहे तो जमीन जब्त हो जाती थी, या सामान रखा वो जब्त हो जाता था, तो समस्याएं बढ़ रही थी। दूसरा कारण क्या है, आपने देखा होगा कि भारत में मोस्टली मैं बात कर रहा हूं, लोगों की एक सोच होती है कि पैसे को प्लीज, है ना, यहां ध्यान दो, क्योंकि मैं इससे पहले यह भी पूछ लेता हूं कि जस्ट मिनट पहले मैंने क्या शब्द बोला। आप तो बहुत कम है ऑनलाइन में, मुझे पता नहीं कितने, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं हजारों बच्चों की संख्या में पढ़ाऊं, एक बैच में 800-900 बच्चे एक बैच में बैठे हुए हैं, और उस 900 बच्चों के बैच में यदि कहीं से कुछ गिरा है तो उसकी साउंड मेरे कानों तक आती है, तो प्लीज, है ना, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो महिलाएं मोस्टली आज भी, यानी 100-200-500-1000-2000 अपने घर में छिपा कर रख लेती हैं, पहले सोना चांदी अपने घरों में छिपा कर रख लिया जाता था, दबा कर रख लिया जाता था। महिलाएं ही नहीं, मतलब 90% महिलाएं तो 10% पुरुष, कुछ पैसे को अपने घरों में छिपा कर रख लेते हैं। पता चला घर में चोरी हुई और चोर आए और चोरी कर ले गए, फिर वो महिला बोलती है मेरे तो 4000 रुपये लूट गए। तो ये सारी समस्याएं थी। तो पैसा जो है, जनता के पैसे को जोखिम से बचाना है। अपने घरों में आपने देखा हुआ है कि घरों में कुंबल हो जाता है, आपका सोना रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है, आए लोग बगाए आपके कान को निकाल कर चले गए, घर में जो रखा सब निकाल पे, गन लगाई आपसे पूछा कहाँ कहाँ रखा हुआ है, सब बताते चले जाते हैं, सब ले जाते हैं। तो इसलिए वो घर में ना रखो, उसको बैंक में रखो। आपका जो गोल्ड है, आपका जो डायमंड है, आपका जो सिल्वर है, आपकी जो मनी है, उसको जोखिम से बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसे कहा जाता बैंक, अर्थात बैंकों का राष्ट्रीयकरण। एक तो पैसे को जोखिम से बचाना है, और दूसरा ये जो साहूकार हैं जो 10% 20% यानी अधिक ब्याज दर पर लोगों को ऋण देते हैं, उन लोगों से निम्न वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के लोगों को बचाना है, अर्थात कम ब्याज दर पर पैसा देना। आपने देखा होगा कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, यदि आप केसीसी पर 1 लाख रुपए लेते हो तो मुश्किल से एक साल में जब उसको रिटर्न करते हैं तो 3-4 हजार रुपए जाते हैं, मुश्किल से बता रहा हूं, ये मेरी फैमिली में मतलब काफी बार
चलता है प्रक्रिया, तो एक दो दो 3,000 रुपए जाते हैं, और आप 1,00,000 रुपए 5% से कहीं ले लीजिए, 5,000 रुपए महीना बनता है, और 12×5=60, 1,60,000 रुपए देने पड़ेंगे कितने साल बाद, 1 साल बाद, और 2 साल बाद वो 60,000 रुपए पे भी ब्याज लगा देता है कि 60,000 रुपए पे ब्याज चलेगा भैया। अब तो इस प्रक्रिया से बचाने के लिए लोगों को एक यानी जो ऋण है ऋण की सुविधा में फंसते चले जाने से बचाने के लिए तो भारत सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये क्यों बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया हमने, यानी पैसे को जोखिम से बचाना है और जनता को कम ब्याज पर ऋण देना है, और जितनी भी भारत की संपत्ति है सभी संपत्ति पर भारत सरकार का हक होना चाहिए, क्योंकि पहले सब प्राइवेट बैंक थे और जब ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया तो ये सब सरकारी हो गए, अब सरकार का हक है। अब यदि कोई बैंक पीएनबी में आग लगे या पीएनबी पानी में डूब जाए मेरे पर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पीएनबी मुझे देगा क्योंकि वो भारत सरकार का है, क्लियर हो गया। और यदि कोई प्राइवेट बैंक आपका पैसा लेकर भाग जाए तो मोदी जी कहेंगे मुझसे बूझ के जमा किया था, तो क्या जिम्मेदारी है? यदि कोई प्राइवेट बैंक या कोई प्राइवेट बीमा कंपनी आपका पैसा लेकर भाग जाती है कि वो आपका पैसा भारत सरकार लुटवाए या भारत सरकार आपके पैसे की ऋण की आपके पैसे की अदायगी कराए, क्या भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन यदि भारत सरकार का कोई उपक्रम है, यदि SBI में आपका पैसा है, PNB में आपका पैसा है, और यदि PNB SBI की किसी शाखा में आग लग जाती है, पैसा डूब जाता है, लाखों करोड़ों रुपए वार्षिक जल जाता है, तो तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अगले दिन जाना बाबूजी 10,000 रुपए निकालने, तुम्हें निकाल के देगा कहीं से भी दे। चीज क्लियर हो गई? तो हम लोगों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया, ये 3 चीजें आप लोग लिखो, पहले लिखो, फर्स्ट बैंकों का राष्ट्रीयकरण लिख लिया आप लोग लिखो, चक्रवर्ती ब्याज, यहां भैया जी मैथ नहीं चल रहा, चक्रवर्ती ब्याज, अनुराग जी लिखो, बहुत अच्छा, लेकिन आपने सही बोला, फर्स्ट संपूर्ण संपत्ति पर भारत सरकार का हक, इसका मतलब पता क्या है, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं बोल रहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद संपूर्ण संपत्ति पर भारत सरकार का कब्जा हो जाएगा, ये तो आप समझ गए होंगे ना, संपूर्ण संपत्ति पर भारत सरकार का कब्जा। दूसरा, पैसे को जोखिम से बचाना, पैसे को जोखिम से बचाना, पैसे को जोखिम से बचाना। तीसरा, कम ब्याज दर पर लोगों को ऋण प्रदान करना, कम ब्याज दर पर लोगों को ऋण प्रदान करना, कम ब्याज दर पर लोगों को ऋण प्रदान करना, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना, क्योंकि सब लोगों के कल्याण के लिए यदि हम कुछ बात कर रहे हैं तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है, और यदि हम अपना अपना चाह रहे हैं तो पूंजीवादी। ये चीज क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकता हूं। अब देखो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए आप लोगों को देखना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण आज तक वैसे तो 4 से 5 बार हो गया है, लेकिन जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण दो बार सबसे बड़े स्तर पे हुआ, एक तो पंचवर्षीय स्टार्टिंग में कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और यहां पर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये चीज क्लियर हो गया, ये फिर रिपीट है, आप लोग समझ लो ऑनलाइन वालों, ये चीज रिपीट है, और यदि आपके याद है तो इसमें से 2-3 चीजें मुझे कमेंट कर दो भैया। आप लोग ध्यान दो, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 4वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, याद आ गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, याद आ गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी योजना में हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी योजना में हुआ, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था, और यहाँ 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1980 में हुआ था,
याद आ रहा है, तो जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी कौन थे? इंदिरा जी। ये बात समझ में आ गया? जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा जी। ये चीज क्लियर हो गया? अब यदि मैं कभी भी 52 का इस्तेमाल करूं, 52 यदि मैं लिखूं तो 52, तो आप समझ जाना कि ये आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिसका पद ब्रिटिश राजा के समान होगा। अब बड़ी समस्या गहरी है, ब्रिटिश राजा के समान होगा, ब्रिटिश में राजा है, भारत में राष्ट्रपति है, वहां मोनोपोली है या डेमोक्रेसी है, तो ऐसे कैसे समान हो जाएगा, डिफरेंट कैसे है, तो सारी चीजें, लेकिन ये पॉलिटिकल मैटर है। हम बढ़ते हैं यहां, तो 52 का मतलब है कि यहां राष्ट्रपति कौन था? तो वी गिरिजी। ये बात क्लियर हो गया? और यहां यदि मैं 52 की बात करूं तो 52 का मतलब कमेंट करके लिख दो भैया, 52 में किसको बोल रहा हूं। तो यहां 52 का क्या मतलब है? नीलम संजीव रेड्डी। तो यहां राशि कितनी थी जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 50 करोड़। जिसके पास में 50 करोड़ की धनराशि थी उस बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, और यहां पर जिसके पास में 200 करोड़ की राशि थी उस बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। अब समस्या ये कि सर समिति, यहां पर कौन सी समिति बनी थी जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो कौन सी समिति थी? तो हजारी समिति की सिफारिश पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और सेम समिति यहां थी, यहां भी कौन सी समिति थी? हजारी। क्या ये चीजें रिपीट हैं? ये पूरा का पूरा रिपीट है। अब आप लोग यदि इसको लिखो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये रिपीट है। आप लोग जब रजिस्टर पढ़ने बैठोगे तो वो इतना मोटा हो जाएगा, फिर दिमाग यार इतना मोटा कैसे रिवाइज करें? दिमाग हमारा, ये माइंड हमारा ये काम नहीं करेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट हैं, ये इसलिए मोटा हो रहा है। और यदि आप एक चीज एक ही जगह लिखो तो वो ज्यादा मोटे में नहीं जाएगा, वो मुश्किल से 10-20 पेजों में हो जाएगा, और जब कम पेज होते हैं तो रिवाइज करने में भी अच्छा लगता है, और कॉन्फिडेंस भी आप होता है ना, अब रिवाइज करें, 5-10 पेज ही तो हैं। तो इसलिए रिपीटेड चीजों को मत लिखा करो, जिनका नहीं हुआ है वो लिख लो। यदि ऑनलाइन वाला आप सब लोगों का यदि हो गया तो यस लिख दो, कमेंट कर दो, और समझ में आ रहा है तो भी यस लिख दो। भैया एक बार बता दो आप लोगों को समझ आ रहा है? इंदिरा गांधी जी समझ आ रहा है तो यस कर दीजिए भैया, यदि कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, यदि और इससे भी अच्छा पढ़ना है तो बता दीजिए, और डेप्थ में जाके पढ़ने का मन है तो भी बता दीजिए। आप अपनी डिमांड रखा करो, आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। डेप्थ में पढ़ना है तो और बताइए, सारी चीजें क्लियर हैं तो बताइए भैया, कमेंट कर दीजिए, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए भैया। हो गया? चलो कर लो इसको। कौन सा? आपकी वॉइस मेरे पास तक नहीं आ रही। 26 26वां संविधान संशोधन क्या? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, किसी भी बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रावधान अमेंडमेंट में नहीं होता। आपको यदि किसी ने पढ़ाया तो आपने जब 26वां अमेंडमेंट पढ़ा होगा ना, तो तभी उसी दौरान ये हुआ है, तो आपने इसलिए वो किसी बुक में पढ़ा होगा तो सीक्वेंस लगा रखी होगी, बट बैंकों का राष्ट्रीयकरण अमेंडमेंट के द्वारा। अमेंडमेंट के द्वारा दो चीज़ होती है। क्या होता है दो चीज़ें? पहली चीज़ तो अमेंडमेंट के द्वारा होती है, यदि कोई चीज़ संविधान में है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं है तो उसको ऐड कर सकते हैं। क्या बैंक कहीं ऐड हुआ है 26वां अमेंडमेंट में? बैंक ऐड है? नहीं नहीं, हो सकता है, यू आर मतलब राइट, आई एम रॉन्ग, बट फिर भी आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लेता। ये चीज हो गया, आगे बढ़े। चलो भैया, बैंकों का जो टॉपिक है वो आज आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब समस्या ये है कि बैंक में बात करें तो हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं, BMB, बी फॉर भारतीय
एम फॉर महिला, बी फॉर बैंक। इसका पूरा नाम है भारतीय महिला बैंक। समस्या एक भारत सरकार के सामने पहुंची, बहुत सारी रिपोर्टें रिकमेंडेशन कर रही थी कि महिलाएं जब बैंकों में जाती हैं तो भारत की बहुत सारी महिलाएं ऐसे पुरुष कर्मचारियों को देखकर घबरा जाती हैं, घंटा घंटा वेट में खड़ी रहती हैं कि किसी से हेल्प मांगूं, लेकिन इतना शर्मा जाती हैं कि किसी से हेल्प नहीं मांग पाती। और यदि कोई महिला उनके सामने हो तो वो महिला से बोल सकती है, बेझिझक होकर अपनी बात कर सकती है, यानी बात किया उनका तो फिर वो चुगली में ही हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये जो है BMB भारतीय महिला बैंक, ये क्यों स्थापित किया गया? ये महिलाओं को सशक्तिकरण में बढ़ावा देने के लिए, महिला का सशक्तिकरण करने के लिए किया गया, क्योंकि महिलाएं बैंकों से जुड़ी हुई नहीं है, महिलाएं बैंक में कर्मचारी बैठता है। बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी होती हैं पुरुषों से बात तक करना पसंद नहीं करती है, और बैंक में जाएगी तो एंट्री कैसे कराएगी, बैंक में जाएगी तो फॉर्म कैसे देगी, बैंक में जाएगी तो पैसे कैसे लेगी। तो ये बहुत सारी समस्याएं मतलब समझ में ध्यान में थी, जो एक काफ़ी रिपोर्ट्स आई, रिकमेंडेशन हुआ, तो भारत ने भी सोचा कि जब अदर देशों में, बहुत सारे देशों में इनकी स्थापना होगी तो मैं क्यों ना कर लूं। तो BMB भारतीय महिला बैंक, सबसे पहले तो यही है कि ऐसा कौन सा देश है जो हमसे ना तो कभी आगे हुआ ना वो होगा, लेकिन एक स्थिति में वो हमसे आगे हो गया, वो है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान विश्व का प्रथम देश, साथ के साथ लिखते चलना, विश्व का प्रथम देश। आरसी कूपर का केस आया था इसी पर, ये बिल्कुल राइट, अब आपने सही बोला। तो ध्यान दीजिए कि विश्व का प्रथम बैंक जहां पर BMB भारतीय महिला बैंक, यानी वहां भारतीय महिला बैंक नहीं था, वहां पे क्या था, ये PMB पाकिस्तान महिला बैंक, कभी वहां भी लिखो BMB भारतीय महिला बैंक, वहां था PMB पाकिस्तान महिला बैंक। लेकिन विश्व का पहला देश जिसने महिलाओं के लिए बैंक की स्थापना करी तो वो कौन सा था, पाकिस्तान। इसने किसकी स्थापना करी, PMB पाकिस्तान महिला बैंक। ये चीज क्लियर हो गया। विश्व का प्रथम देश तंजानिया, ये कैसा है, विश्व का सेकंड देश जिसने किसकी स्थापना करी, TMB तंजानिया महिला बैंक। ये चीज क्लियर हो गई। कभी कभी एग्जामर पूछ लेगा TMB क्या है, अब वहां हमारा दिमाग गोल, तो टीएमबी क्या है, तंजानिया महिला बैंक। पीएमबी क्या है, यानी पाकिस्तान महिला बैंक। कब करी कब नहीं करी डजंट मैटर, ये चीजें कोई आपके लिए लेवल की नहीं है, लेकिन भारतीय महिला जो बैंक है इसकी स्थापना जो हुआ, सबसे पहले तो इसके मैं HC की बात कर लेता हूं, तो वो कहां है, तो दिल्ली। तो जो भारतीय महिला बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां है, भारतीय महिला बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये चीज क्लियर हो गया। और भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2013। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में कहां पर की गई थी, बंबई में। बंबई में भारतीय महिला बैंक की 2013 में स्थापना की गई। और मैंने एग्जाम में जो पढ़ा वो ये आया कि 2013 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो 2004 से 14 तक सरदार जी। क्लियर हो गया। तो यहां पे मैं PM की बात करता हूं तो वो कौन थे हमारे, सरदार जी। जब भी सरदार जी लिखा जाए तो सरदार जी कौन है, ये सरदार मनमोहन सिंह। तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना के समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, ये चीज क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना, अब समस्या ये है कि देखो कोई भी वर्क ऐसा नहीं है कि महिलाओं के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन संपूर्ण वर्क सडनली महिलाओं के ऊपर कैसे छोड़ा जाए, ऐसा विश्वास नहीं जताया जा सकता महिलाओं पर। मैं तो जता सकता हूं, मेरा बहुत भरोसा होता है, लेकिन भारत सरकार ने महिलाओं पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं किया। इसीलिए भारत सरकार को लगता था कि कहीं ना कहीं महिलाएं गड़बड़ी ना कर दें, कहीं ना
कहीं ना कहीं महिलाओं का जो माइंड है वो इतना क्रिएटिव नहीं चलता, तो वो कहीं ना कहीं उलझ ना जाएं। तो इन समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने कहा कि हम एक भारतीय महिला बैंक की स्थापना तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें 70% महिलाओं की हिस्सेदारी है, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें 30% पुरुषों की हिस्सेदारी है। यदि कोई समस्या हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल यही एक बैंक मान लो, यही किसी फायर में, कहीं कोई वायर में फायर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो महिलाएं सारी चिल्ला के बाहर जाएंगी। यदि 100% महिला बैंक बना दिया जाए तो सारी महिला चिल्ला के बाहर जाएंगी, छोटी समस्या को बहुत बड़ी करके, यानी बहुत विस्तार करके उसको इंटरप्रिटेट करेंगी। तो बहुत सारी समस्याएं थी, इन समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने पूर्ण रूप से भारतीय महिला बैंक की स्थापना नहीं किया, बल्कि उसने बोला कि मैं किसकी स्थापना कर रहा हूं, अर्ध महिला बैंक की स्थापना। उसमें 70% महिलाओं की, महिला ही हेड होती है, महिला ही मुख्यतः कर्मचारी होते हैं, बट फिर भी 30% पुरुषों को इसमें रखा जाता है, क्योंकि महिलाएं कितनी भी एक्सपर्ट हों, क्योंकि यदि कहीं इनोवेशन की बात आ जाती है, इनोवेशन समझते हो ना, कहीं क्रिएटिविटी की बात आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप कितने भी एक्सपर्ट हो इस स्मार्ट बोर्ड को चलाने में, यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो माइंड से इतना सोच नहीं पाती, जो इनोवेशन है ना, महिला वो नहीं कर पाती, तो पुरुष समझ लेता है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मोस्टली ये बहुत ऑफ रेयर केस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाएं कर नहीं पाती, महिलाएं वो कर रही हैं जो पुरुष नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ें, तो इस बैंक की जो स्थापना है, ये जो भारतीय महिला बैंक है, ये पूर्ण रूप से भारतीय महिला बैंक नहीं है, बल्कि ये क्या है, आप लोगों को क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं, अब क्वेश्चन ये है, जो भारतीय महिला बैंक है इसकी स्थापना 2013 में हुआ, और किसके समय में हुआ, सरदार जी के समय में हुआ। पहला बैंक कहाँ खोला गया, तो पाकिस्तान में। दूसरा कहाँ खोला गया, तो तंजानिया में। तीसरा कहाँ खोला गया, तो भारत में। इसके बाद भी बहुत सारे बैंक खोले गए हैं, लेकिन अब समस्या हमारे सामने ये कि क्या जैसे भारत में BMB है, क्या इसकी शाखा डिफरेंट डिफरेंट स्टेटों में भी होंगी? क्या कोई और स्टेट ऐसा भी हो सकता है जिसने, यानी यूपी महिला बैंक बना दिया हो? तो अभी तक कोई भी स्टेट भारत का ऐसे नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश महिला बैंक। तो ये भारत के लगभग सभी स्टेटों में इनकी शाखाएं हैं। तो सबसे पहली BMB भारतीय महिला बैंक की शाखा कहां पर ओपन की गई थी, तो लखनऊ। ये चीज क्लियर हो गया? तो यूपी में इसकी शाखा कहां है, तो लखनऊ में हो गया। इस चीज को करो, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये क्लियर है? चलो देखो, एक बैंक है हमारा, उसका नाम है SIDBI, 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 इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग समझो, नहीं आएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो SIDBI बैंक है, देखो ये खुद बता रहा, स्मॉल माने छोटा, स्मॉल यानी स्मॉल, उसका प्रोनंसिएशन जो सही होता स्मॉल होता, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो SIDBI बैंक है, इसने भारत में जो कुटीर, इसका उद्देश्य, ये लो साथ के साथ लिखते चलो भैया, इसका उद्देश्य क्या था, लघु एवं कुटीर जो उद्योग हैं उनको एक तो ऋण प्रदान करना और उनका विकास में भागीदारी देना। जो SIDBI है, इसका उद्देश्य क्या था कि जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं उनको ऋण प्रदान करना और उनकी विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना। इसकी स्थापना जो हुआ वो 2 अप्रैल 1990, यानी जो SIDBI है 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना की किसने, तो BIDBI। अब ये IDBI क्या है, ये भी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
ये चीज क्लियर हो गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 100% भागीदारी किसकी है? आईडीबीआई की। तो जो सिडबी बैंक है वो किसने ओपन किया? आईडीबीआई ने। कब ओपन किया? 1990 में। उद्देश्य क्या था? लघु और जो कुटीर उद्योग हैं उनको ऋण प्रदान करना, अर्थात उनके विकास की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो अब आपके बात एक समझ में आ गई होगी कि जो लघु और कुटीर उद्योग को कौन करते हैं? निम्न और मध्य वर्ग। अब उनको ऋण दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसने कौन सी व्यवस्था, नहीं समाजवादी व्यवस्था, इसने किसको फॉलो किया? समाजवादी जो व्यवस्था है, अर्थात जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसको इसने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आगे चलें। अब जो ये सिडबी है, ये एक सेवा प्रदान करता है। सेवा प्रदान, सिडबी क्या सेवा प्रदान करता है? एकल खिड़की। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि एकल खिड़की सेवा यानी ओपन विंडो सर्विस, इसका क्या? ओपन विंडो सर्विस। तो ओपन विंडो जो सर्विस है वो कौन देता है? तो सिडबी देता है। और ओपन विंडो जो सर्विस है इसमें क्या है? जो भारतीय मुद्रा ही नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा भी, आप कहीं पर भी जाकर भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा, ये नहीं है कि आपके पास भारतीय मुद्रा तो आप लघु और कुटीर उद्योग करोगे, आपके पास विदेशी मुद्रा है तो भी आप कर सकते हो। अर्थात मैं ये बात कर रहा हूं कि यदि आप डॉलर में ऋण प्रदान कर, डॉलर में ऋण को लेना चाहते हो तो ये आपको डॉलर में भी ऋण देगा। आप पौंड में ऋण चाहते हो तो पौंड में भी देगा। यूरो में भी ऋण लेना चाहते हो तो यूरो में भी देगा। अर्थात विश्व की जितनी भी करेंसी है, जिस देश में जो करेंसी चलती है, आप जिस भी करेंसी में ऋण लेना चाहोगे ये आपको उस करेंसी में ऋण देगा। अर्थात ये भारत में भी देगा, भारत प्लस विदेशी मुद्रा में ऋण देना। ये लो, मुद्रा में ऋण प्रदान करना। जो सिडबी है वो भारत और जो विदेशी मुद्राएं हैं इन सभी में क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। आगे बढ़ें। अब मैं सिडबी के थोड़ा कार्य की ओर लेकर चलूं तो देखो इसके तीन कार्य मुख्यतः हैं और तीनों कार्यों में पहला कार्य तो आपको देखो यहां से क्लियर होना चाहिए। मैंने उद्देश्य क्या बताया? लघु और कुटीर जो उद्योग हैं, अर्थात जो स्मॉल उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना है। तो इसके कार्य में भी आ गया। जब उद्देश्य ये है तो इसका कार्य भी यही होगा। तो पहला कार्य क्या हो गया इसका? जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना, लघु एवं कुटीर उद्योग जो हैं उनको बढ़ावा देना, लघु और कुटीर उद्योगों में बढ़ावा देना। इसके साथ साथ में हमारी जो कृषि है, कृषि को बढ़ावा देना, लघु और उद्योग में बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। अर्थात जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण प्रदान करना, क्षेत्रों में ऋण प्रदान करना, लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना, आगे बढ़ें। देखो सिडबी का सबसे बड़ा जो योगदान मुझे आज तक नजर आता है, ऑनलाइन वालों भैया यदि स्लो चल रहा है तो आप बता सकते हैं, मैं थोड़ा स्पीड कर दूंगा। तो सिडबी का जो मुझे सबसे बड़ा योगदान नजर आता है, इसका सबसे बड़ा योगदान क्या है वो ये है। आपने एक नाम सुना होगा फ्लोरिकल्चर, एपिकल्चर, पीसी कल्चर, पर्यटक। ये क्या थे? दरअसल इनको उद्योग नहीं माना जाता था, मनोरंजन का जो साधन है। नई नई शादी हो रही, हनीमून पर जा रहे हैं, या जॉब लगी है, हनीमून बनाने जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं जो पर्यटक है, आप लंदन जा रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, रूस, कनाडा, अंडमान या मालदीव जा रहे हैं, निर्धन लोग मालदीव जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं आप कहीं भी जा रहे हैं तो एक पर्यटन है। तो पर्यटन में लोगों को लुभाने के लिए वो नई नई चीजें, वहां सुविधाएं हमको प्रदान करते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। तो मैंने एक शब्द बोला मनोरंजन, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। मनोरंजन की समस्त चीजें
अब कौन इंसान किससे मनोरंजन लेता है वो बात ही अलग है। तो मनोरंजन की समस्त चीजें वो इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली जो हमें दिखाई दे रही है, जहां पब्लिकली लोग इंजॉय करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, उद्योग हैं। उसको उद्योग की श्रेणी में रखा किसने, यानी मैं बात कर रहा हूं सिडबी। तो सिडबी ने एक एक्ट पास किया, सिडबी विधेयक है 2012। सिडबी विधेयक 2012 में पारित हुआ और सिडबी विधेयक 2012 के द्वारा जो फ्लोरिकल्चर, एपी कल्चर, मौरी कल्चर, ये जितने भी कल्चर हैं, ओशियन कल्चर और मनोरंजन, इन सबको उद्योग का दर्जा दिया गया। चीज क्लियर हुई? तो नीचे लिखो नोट, NOTE। आप सब लोग, ये हो गया है आप लोगों का, ऑनलाइन वालों हो गया तो यस लिख दो भैया, यदि ये हो गया है तो यस लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूं। नोट करके लिखो सिडबी एक्ट 2012। सिडबी एक्ट, इमरान खान जी, बहुत अच्छा, मन्नू वर्मा जी, हो गया तो यस लिखो भैया। तो आप लोगों को लिखना सिडबी एक्ट 2012 हो गया, के द्वारा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पर्यटक, पर्यटन लिखो, पर्यटक में तो हम लोग आ जाएंगे, हम लोग पर्यटक में आते हैं जब हम घूमने जाते हैं ना, पर्यटक, और जहां जाते हैं वो तो पर्यटन, फ्लोरिकल्चर, पर्यटन, सड़क निर्माण, सड़क निर्माण, फ्लोरिकल्चर, पर्यटक, सड़क निर्माण एवं मनोरंजन को, एवं मनोरंजन को उद्योग का दर्जा दिया है, उद्योग का दर्जा दिया है, उद्योग का दर्जा दिया है, अर्थात ये सभी सिडबी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ये सभी सिडबी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, हो गया। अब इसको मैं फिर आपको बता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूं कि UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1964, ये जब 5-year प्लानिंग चला था तो तब मैं आपको बताया था। तो UTI क्या है, एक बैंक है, UTI बैंक, आप लोग साथ के साथ लिखते चलो, 2-3 चीजें ऐसी आएंगी जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है। UTI बैंक, आप लोग ऑनलाइन में साथ के साथ लिखते चलो भैया, लिखो UTI बैंक, लिखो स्थापना 1 फरवरी 1964 इन अहमदाबाद, इसका मतलब तो समझ गए ना कहां हुई, अहमदाबाद में, इन अहमदाबाद, हो गया। नेक्स्ट लिखो, लिखो UTI समाप्त हो गया, UTI समाप्त, बना भी समाप्त भी हो गया, UTI समाप्त 2001 हो गया। अब जब ये समाप्त हुआ UTI, मैं इस UTI की बात कर रहा हूं, ध्यान दो, UTI जब ये समाप्त हुआ तो दो भागों में बट गया, एक बट गया UTI फर्स्ट, एक बन गया UTI सेकंड। जो UTI फर्स्ट है इसके ब्रैकेट में डाल लो AMC, जो UTI सेकंड है इसमें आपको लिखना है NAV, हो गया। अब देखो जो UTI फर्स्ट और UTI सेकंड 2001 में ये हुआ, तो UTI फर्स्ट क्या है, इसको जो हम यानी क्या बोलते हैं, AMC यानी एसेट, मैं बात करूं इसमें इसका पूरा नाम क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो UTI फर्स्ट को एसेट मैनेजमेंट कंपनी,
और जो ये एन मैं बात कर रहा हूँ एन ए वी, तो नेट सेट वेल, ये क्या है नेट सेट वेल, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, जो यूटीआई फर्स्ट है हमारा, मैं यूटीआई फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये चार कंपनियों ने मिलकर इसको खरीदा। यूटीआई फर्स्ट में कितने आपने सुना होगा, एल आई सी, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और निगम को इंग्लिश में बोलते हैं कॉरपोरेशन, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसमें शेयर किसका, एसबीआई का भी शेयर है एक एसबीआई, और इसमें शेयर किसका पीएनबी, पीएनबी बैंक का भी शेयर है, एसबीआई का भी शेयर है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑफ बड़ौदा, इन चार लोगों ने मिलकर एसबीआई, पीएनबी, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन चारों ने मिलकर किसको दोबारा से मतलब इस्टेब्लिश किया, यूटीआई फर्स्ट को। अब आगे बढ़े, अब जो यूटीआई सेकंड है इसका 2007 में क्या हुआ, नाम चेंज, इस तरीके से लिखो, इसका 2007 में नाम चेंज करके एक्जिम रख दिया गया, एक्जिम ए एक्स आई एम, ए एक्स आई एम, 2007 में इसका नाम चेंज करके क्या कर देगा ना, एक्जिम बैंक रख देगा। ये चीज क्लियर हो गया, आगे चलें। आप लोगों का ऑनलाइन हो गया हो तो यस लिख दो भैया, यदि ऑनलाइन हो गया हो तो यस लिखो, आगे बढ़ो भैया, थैंक यू। अब हम लोग चलते, एक बैंक है एक्जिम बैंक, वो था एक्जिम, ये क्या है ई एक्स आई एम बैंक। ये जो बैंक है इनमें कोई ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, इनकी या तो स्थापना पूछ सकता है या कि कब बटा, उसका नाम चेंज कर गया, नॉर्मली पूछेगा। तो इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए, स्थापना 1982, इसका जो स्थापना हुआ 1982 में हुआ, मैक्सिम बैंक की बात कर रहा हूं, इसका स्थापना 1982 कहां पर हुआ, बंबई में, 1982 में बंबई में इसकी स्थापना कर दी गई। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जो आपने देखा होगा जो भी वस्तु है, जो हमारी गुड्स हैं, उसका आयात होता है और उसका क्या होता है, निर्यात होता है, उस सब का डेटा जो होता है वो किसके पास में होता है। ये चीज क्लियर होगी, आयात होता है, निर्यात होता है, उन सब का डेटा किसके पास में होता है। आगे बढ़ें, यदि आप लोगों का हो गया है तो भैया, हाँ दोनों का डेटा इसके पास में होता है, आयात का भी डेटा और निर्यात का भी डेटा, हो गया। आगे बढ़ें, अब छोटी छोटी सी चीज है, एन ए बी ए आर डी, आपको एक ट्रिक भी बताया था, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने वर्ड हैं, 6, ये कितने शब्दों से मिला मिलकर बनाए, 6। तो इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना वो कब हुआ हमारा, 6वीं पंचवर्षीय योजना, ये लिखवा रखा है, आप लोग क्यों लिख रहे हो, जिन्होंने लिखवा रखा है, जिनका नहीं हो रहा तो वो छोड़ दो बस, जिनका नहीं हो रहा वो लिखो, जिन्होंने कर दिया उनको छोड़ के चलो, ये आपकी मर्जी है। नाबार्ड बैंक की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में होता, और 1 जनवरी 1982 को किसकी स्थापना हुई, नाबार्ड बैंक की स्थापना। क्वेश्चन ये आता मेरे दोस्त, इसकी स्थापना कौन सी समिति, तो शिव रमन समिति, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये जो बहुत बार पूछा गया है, इसकी स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, और जब ये बनाया गया था तब इसकी स्थापना हुआ था, तो इसमें 50% जो शेयर था, और जो 50%, क्योंकि 50-50 मिलकर ही 100 होगा, तो यहां 50% था हमारा आईजी बोले तो इंडियन गवर्नमेंट, ये चीज क्लियर हो गया। और यहां पर 50% किस तरह, आर बी आई,
यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब, ये मैं कब की बात आप लोगों को बता रहा हूं, ये 1982 जब नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, तब उसमें 50% शेयर आरबीआई का था और 50% शेयर किसका था, इंडियन गवर्नमेंट। बट नाउ, लेकिन अब इसमें क्या चल रहा है वर्तमान की, यदि मैं डेटा की बात करूं तो इधर देख लीजिए, इसमें 99+1 चल रहा है, 1% डेटा किसका, आरबीआई का इसमें है, और 99% किसका चल रहा है इसमें, इंडियन गवर्नमेंट। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक है, तो नाबार्ड बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, इसका उद्देश्य क्या था, गांव के अधिक से अधिक लोगों को, यानी बैंकों के बारे में बताना, और गांव से अधिक लोगों को, यानी जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको ऋण प्रदान करना। आगे बढ़े, यदि आप लोगों का हो गया है तो बताइए भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट में चल रहा हूं भैया, आप ध्यान दीजिए, एक हमारा RRB, मैं RRB की बात करूं, इसका पूरा नाम क्या, रीजनल, मैं बात कर रहा हूं RRB, रीजनल रूरल बैंक, अर्थात इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था कि जितने भी भारत के अंदर बैंक ओपन हैं, ऑल बैंक, वो सब सिटी में थे, उनकी शाखाएं गांवों तक नहीं थी। लेकिन जब RRB यानी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना, तो सभी बैंकों को इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आप सब लोगों को अपनी शाखाएं, यानी सब शाखाएं आपको अब गांवों में भी खोलनी है। तो आपने देखा होगा कि SBI की कोई शाखा यदि गांव में, तो उसमें लिखा होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उसके ब्रैकेट में SBI, PNB है तो वहां लिखा होता है PNB। हमें यह पता चल जाता है कि ये PNB की शाखा है, ये इसकी शाखा है। ये चीज क्लियर हो गया। जो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975, इसका स्थापना कब हुआ, 1975 को इसका स्थापना हुआ था, और इसकी किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुआ, बाई सुरैया समिति, सुरैया समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जो भारत सरकार का 20 सूत्रीय कार्यक्रम था, उन 20 मांगों में एक मांग क्या थी, RRB, यानी 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भारत का एक कार्यक्रम RRB भी था। ये चीज क्लियर हो गई। स्टार्टिंग में बात करूं तो मालदा पश्चिम बंगाल में खोला गया, सिंडिकेट बैंक खोला गया, तो बहुत सारे, मतलब 8 बैंक खोले गए, बट आपके एग्जाम के वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आगे चलें। अब यहां क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दिए कि बैंकों के सुधार के लिए बनी समिति, जो बैंकों के सुधार है, बैंकों के सुधार के लिए कितनी समिति बनी है, तो 2 समिति बनी है, एक तो नरसिम्हन समिति, एक विजय केलकर समिति। तो दोनों लिख दो, लिखो, ये हो गया ना आपका, रफ कर दूं, लिखो, बैंकों के सुधार के लिए बनी समिति, बैंकों के सुधार के लिए बनी समिति, हो गया, जो समिति लिखा ना ये, इसके ब्रैकेट में डालो RRB, क्लियर हो गया। तो इससे आप लोगों को यह पता चल गया कि जो समिति मैं बोल रहा हूं वो ओनली फॉर कौन से बैंकों से संबंधित है, RRB, नंबर एक समिति, नरसिम्हन समिति, नंबर 2, मैं लिख देता हूं, नरसिम्हन समिति, ओ नरसिम्हन समिति हो गया। नेक्स्ट लिखो, विजय केलकर समिति हो गया। नीचे लिखो नोट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, एक या दो मिनट और पढ़ाना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, लिखो, RRB बैंकों को
नाबार्ड बैंक कमांड करता है, आरआरबी बैंकों को नाबार्ड बैंक कमांड करता है क्योंकि क्षेत्रों से संबंधित नाबार्ड बना था। हो गया, दो लाइन छोड़ के लिखो, भारत में बैंकों के सुधार के लिए आज तक बनी समितियां, या मुख्य समिति डालो, भारत में बैंकों के लिए, भारत में बैंकों के सुधार के लिए, भारत में बैंकों के सुधार के लिए बनी समितियां, भारत में बैंकों के सुधार के लिए बनी समितियां, लिखो नंबर वन यानी नंबर एक, लिखो वर्मा समिति, वर्मा समिति दो लिखो, नंबर एक कौन सा, वर्मा समिति, फिर लिखो गोरपोइया समिति, गोर जी लिखो, गोर गोर गोरपोइया समिति, गोरपोइया मैं लिख के बता देता हूं, गोरपोइया समिति, गोरपोइया समिति, नेक्स्ट लिखो गोरवाला समिति, गोरवाला, गोरवाला समिति, नेक्स्ट नरसिम्हन समिति, नेक्स्ट लिखो नरसिम्हन समिति, नेक्स्ट वर्मा समिति, वर्मा, वर्मा समिति हो गया, नेक्स्ट वर्मा समिति वाले को चंद्रावती समिति, इसका पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, रविंद्र चंद्रावती समिति, रविंद्र चंद्रावती समिति, नेक्स्ट रविंद्र चंद्रावती समिति पूरा नाम है इसका, वैसे इसको चंद्रावती समिति के नाम से जानते हैं लेकिन इसका अध्यक्ष कौन था, रविंद्र चंद्रावती। नेक्स्ट लिखो दामोदरन समिति, दामोदरन समिति, नेक्स्ट टॉपिक डालो आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टॉपिक डालो आरबीआई, आप आरबीआई के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है, क्लास अवर। ऑनलाइन में आप लोगों को यदि कोई डाउट हो तो भैया बता दीजिए, यदि कोई डाउट है तो बता दीजिए, क्लास अच्छी लगी है तो वो भी बता दीजिए भैया। सारे टॉपिक क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है, जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं इन टॉपिक्स में यदि आप लोगों को पीवाईक्यू कर रहे हैं तो कोई यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लांड इकोनॉमी की ऑफ इंडिया फर्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेकंड टॉपिक, ये दो टॉपिक आपके फाइनली हो गए हैं, करेंसी एंड बैंकिंग आपका थर्ड टॉपिक, तीन टॉपिक्स आपके तीनों कल कंप्लीट हो जाएंगे, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, सारी चीजें क्लियर हैं तो क्लियर लिख दीजिए भैया, बहुत अच्छा, धन्यवाद आप लोगों का।